empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है, अभी फिलहाल मैं शॉप के लिए तैयार हो रही हूँ और तैयार होके फिर मैं निकलने वाली हूँ। अब मैं शॉप के लिए निकलने वाली हूँ। अभी मैंने आज जो ड्रेस डाली वो जीन्स और डाला मैंने ट्राउज़र। तो एक्चुअली मैं क्या था, आज ठंड भी है नहीं भी है, दोनों सी बात है। मतलब थोड़ी बहुत ठंड है, थोड़ी बहुत गर्मी है, तो इसी के लिए मैंने खाली ये डाल लिया। ऊपर से जैकेट डालने का मेरा मूड है नहीं और मैं सिंपल सी तैयार हो गई हूँ बिल्कुल जैसे मैं हर रोज़ होती हूँ। और ये मेरी एयररिंग्स हैं आज। और मैं शॉप पे ना बैठने नहीं वाली हूँ, सिर्फ मैं लंच दे के और आ जाऊँगी, क्योंकि एक दो काम और भी हैं मुझे छोटे मोटे, वो भी मुझे निपटाने हैं। तो इस वजह से थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी। एक्चुअली मैं क्या, हमारी गली में ना अभी लेंटर डल रहा है क्योंकि कोई घर बन रहा है कॉर्नर पर, तो इस वजह से। तो लंच हो गया है हमारा तैयार, अब लंच लेके हम जाते हैं शॉप पे, फिर आपको मिलेंगे शॉप पे। नहीं, घर आके मिलेंगे, क्योंकि शॉप पे मैं बैठने वाली हूँ नहीं आज। आज शॉप पे नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि मतलब शॉप पे ऐसा कोई काम नहीं है पर्टिकुलर, और मुझे घर पे भी थोड़ा बहुत एक दो काम है छोटे मोटे, तो वो निपटाने हैं, फिर आपको मिलती हूँ घर पे आके। सो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैं इतनी लेट आई हूँ कि घड़ी में बज गए हैं 5 और अब मैं कर रही हूँ लंच, क्योंकि मैं लेट हो गई थोड़ा सा आने में। मतलब रास्ते में ना आपको मैंने बताया था कि मैं एक दो काम करती हुई आऊँगी, तो मैंने आज नमकीन चावल बनाए हैं। मतलब उनके लिए तो दाल रोटी बनाई थी, मतलब घर पे सबके लिए दाल रोटी बनाई थी, बट मेरा ना दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने थोड़े से बनाए हैं पुलाव, कि चलो बच्चे भी खा लेंगे, मम्मी भी खा लेंगे। मैंने पुलाव बनाए हैं और आलू की चटनी बनाई है विद सैलेड। तो अब मैं अपना लंच करती हूँ इन्जॉय, मिलती हूँ आपको लंच के बाद। सो गाइस, हमारी बन चुकी है चाय, अब हम पियेंगे हमारी चाय। मम्मी और मेरी चाय बनी है और बच्चे खा रहे हैं अभी शाम के टाइम पे पपीता, जो इस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे हमारे हीट हैं, क्या करें, देना ही पड़ता उनको। चाय बनाई है मम्मी ने और मैंने काटा है पपीता। मम्मी पी लेंगी चाय, मैं भी पी लूँगी चाय, फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं बाजार। आज थोड़ा सा मार्केट का काम है, तो इसके पापा आएंगे, मुझे बेल मारेंगे, फिर मैं जाऊंगी भागी भागी नीचे, फिर हम लाएंगे सामान। मम्मी राशन खोल रहे हैं बैठ के। मैं आज थोड़ा बहुत ना सामान ले आई थी, क्योंकि रास्ते में शॉप पड़ी थी, तो मैंने कहा चल थोड़ा बहुत सामान ना ले चलती हूँ। अपने आप देख के ले लो ना, तसल्ली हो जाती है। ऑनलाइन मंगवा लो जितना मर्जी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता जो आप खुद जाके लेके आओगे वो। अब मैं देख देख के लेके आई सारी चीजें कि भाई ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। फिर सबसे मेन क्या होता है, मुझे ना जो राइस होते हैं ना, राइस मुझे हल्का राइस अच्छा नहीं लगता। मतलब जब तक मैं चावल देख के तसल्ली ना कर लूं, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि चावल बढ़िया है या नहीं है। देखो पपीते के छिलके पड़े हैं तो तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये चावल अच्छा है या नहीं है। तो इस वजह से चावल मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं जाके खुद चॉइस करके तब लेके आऊं। और अब शाम को ना थोड़ी सी ठंड हो गई है, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब दिन में तो क्या था, दिन में ठंड नहीं थी इतनी, बट शाम को ज्यादा हो गई है ठंड। तो अब इस वजह से ना मैंने आज ये कंबल वाला स्वेटर डाल लिया है, और अब दोबारा से जब वो आएंगे ना, तब मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके फिर से मैं चले जाऊंगी। और आज मैं शॉप पे गई थी, खाली लंच देने के लिए गई थी, लंच देके मैं रिटर्न आ गई और बाकी मार्केट का थोड़ा बहुत काम करती हुई आई थी। अब मुझे फिर जाना है, 8 बजे के आसपास निकलेंगे हम मार्केट के लिए। और यार अपना मन तो करता है कि वॉक पे जाएं ये वो, बट वॉक का शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि एक तो ठंड है ज्यादा, इस वजह से कहीं भी शेड्यूल बैठ नहीं पा रहा मेरा। चलो कोई बात नहीं यार, मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, सोनिया शर्मा 07 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप उसको फॉलो कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय। अब मैं अपनी भी चाय ले लेती हूँ। मम्मी को दे दी और मैं अपनी चाय अब लेके जाती हूँ। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, सारे घर की हमारी लाइट जगती रहती है, 7:30 हो रहे हैं घड़ी में, और हम सारे घर की लाइट इसलिए जगाए रखते हैं कि हमारा बिल 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और
हम ये मतलब गवर्नमेंट को कहते हैं कि हाँ डर लगता है भूत ना आ जाए, भूत ना आ जाए, जरूरी भूत आएगा बदतमीज। तो हम ना सारे घर की लाइटें ना पता ही नहीं क्यों जगा के रखते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से है हमारे अंदर। अब मैं ये एक एक करके लाइट बंद करने वाली हूँ क्योंकि सारी जग रही है। तो मम्मी और मैं चाय पीते हैं बैठ के, साथ में मम्मी बैठ गए हैं मटर लेके, भिवानी वाली फेमस मटर। ये अंधेरा से क्यों है भाई, पीछे वाली भी जगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, पीछे वाली भी। बच्चे मेरे बैठे हैं बेशर्मों की तरह लैपटॉप लेके, बदतमीज बच्चे। चलो कोई नहीं, अब हम पीते हैं चाय, एंजॉय करते हैं साथ में। और ये है हमारी मटर का पिटारा, जो मैंने आपको बताया था ना भिवानी से आई है मटर, ये वही वाली मटर है। ये हमारा ओरियो है, ओरियो बड़ा चूजी टाइप का है। ओरी मम्मी ने मटर डाली है इसको, लेकिन खा नहीं रहा बदतमीज लड़का, खा रहा है चाप के देख रहा है। हाँ जी थोड़ा टेस्ट करके देख रहा है कि चलो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, फाइनली माँ जी ने दी है तो माँ जी की इज्जत रख लेता हूँ थोड़ी सी। चलो मिलते हैं गाइस चाय पीने के बाद। सो गाइस अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। आप सोच रहे क्यों हो रही है तैयार, कहाँ जा रही है, अभी तो ऐसे बैठी हुई थी नाइट सूट में। देखो मैंने ना कुछ भी ऐसा खास तो नहीं है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट कर लिया थोड़ा बहुत, फिर भी मैं कहा चल यार रखा रखा सामान ना पुराना हो रहा है तो चल थोड़ा बहुत अप्लाई ही कर लेते हैं उसको। तो गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम लोग कहीं गए ही नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि भाई तू नीचे के नीचे आ जाइयो, बट ये फिर ऊपर चढ़ के आ गए, तो चढ़ के आ गए तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आप थोड़ा पानी पानी पियो और फिर निकलते हैं हम बाहर घूम के आते हैं। आज बहुत दिनों के बाद निकलते हैं क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है, स्कूल की, बच्चों की नहीं मेरे बच्चे की छुट्टी है एक की, शिव की छुट्टी है और आदित्य की छुट्टी नहीं है। तो शिव की ज्यादा हैट्टिक होती है मेरे को क्योंकि वो थोड़ा छोटा है तो उसको मैनेज करना पड़ता है मॉर्निंग में, तो ज्यादा दिक्कत होती है। आदि के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो अपने आप ही तैयार वगैरह हो जाता है, अपने आप ही सारा कुछ कर लेता है। तो गाइस अब हम निकलते हैं जाने के लिए, घूमने के लिए, फिर आपको मिलेंगे रास्ते में, ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। फाइनली अब हम निकल रहे हैं, निकल रही है उतर रहे हैं सीढ़ियाँ, आपको मिलते हैं नीचे जाके, जाएंगे स्कूटी पे, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जाकर टाइम क्या बताओ चलना। तो हमने ये विचार किया गाड़ी में नहीं जाएंगे हम जाएंगे स्कूटी से, ठीक है। तो मिलते हैं आपको स्कूटी पे बैठ के, गिर ना जाऊँ कहीं मैं व्लॉगिंग करती करती ही धमाम दे। सो गाइस मैंने कहीं और सोचा था जाने के लिए, बट इन्होंने कहा कि चल बहुत टाइम हो गया मॉल चलते हैं, अगर कोई मूवी अच्छी लगी होगी तो नाइट शो देख लेंगे, नहीं तो फिर अपना घूम फिर के घर की ओर वापस रवाना। सो अभी हम देखते हैं, कुछ खाने पीने का तो मन अभी है नहीं क्योंकि अभी आपने देखा था मैंने कितनी सारी भर के चाय पी थी, इसलिए तो इनको पता नहीं है क्योंकि मैंने चाय पी ली थी बहुत ज़्यादा और उसके बाद मटर वटर खाई थी आपको पता ही है, तो इसलिए मैं कुछ भी खाने वाली नहीं हूँ अभी तो फिलहाल, क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे ना हो ना तो मैं कुछ खाना कम ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर भूख लग गई सो मे भी हम खा भी लें, दोनों सी बातें हैं। मैं आपको श्योरली नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना स्मेल चढ़ने लग गई है पिज्ज़ा की। चलो मिलते हैं अभी, देखते हैं गाइस अभी सारा कवर करते हैं मॉल। Here we are, we locked down in different cities. And our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in this same sky.
Take me back to the love that we once knew. When the walls weren't closing in like they are now. Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. आप सोचो हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? नहीं सोच सकते, नहीं पता लगेगा। सबको पता लग जाएगा। अच्छा। गाइस हम आए हुए हैं मैकडॉनल्ड्स। ये जान खा जाएगा शिव। कोई नहीं, मेरे बच्चे जान खाएंगे तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए भी मंगवा देंगे या ले चलेंगे बच्चों के लिए कुछ। तो हम आए हैं गाइस मैकडॉनल्ड्स, बच्चों को पता लगेगा कल, आज तो पता लगने से रहा। तो हमने तो एज यूजुअल कुछ भी ऐसा खास ऑर्डर नहीं किया, एक बर्गर मैकपफ कोल्ड ड्रिंक एंड फ्राइज यही ऑर्डर किया है नॉर्मल। तो अब हम वो खाते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं साथ में। अच्छा अपने फोन में व्लॉगिंग कर रही है क्या? अच्छा ये मुझे लग रहा है कि सर भी अपना व्लॉगिंग चैनल खोलने वाले हैं धीरे धीरे, है ना। सो गाइस मतलब बहुत दिनों के बाद ना हम ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है ऑल टाइम, हम कहीं एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। तो आज हम एक दूसरे को टाइम देने के लिए फाइनली निकले हैं। You are so heartless, hey, you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, hey, you don't care. And I अब हमारा मील आ चुका है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसको खाते हैं, खा के फिर वॉक करते हैं, घूमते हैं मॉल में, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे खाने के बाद। सो गाइस अब हम खा के आ चुके हैं बाहर, अभी आपको दिखाया अंदर रश इतना ज़्यादा था जब हमने एंट्री की थी ना, अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, रात हो गई है थोड़ी सी, तो इस वजह से अब रश भी कम हो गया है। तो फटाफट से ना हम जो ऊपर जाने की सोच रहे हैं, देखते हैं ऊपर कुछ खुला मिलता है तो। गाइस मैं ना मॉल में एक तो काम भी था, एक्चुअली मैं इनको कपड़े लेने थे, हमारे घर में ना एक मैरिज आ रही है तो उसके लिए कह रहे थे कि यार मैं सोच रहा हूँ कुछ कैजुअल देख लूँ, कभी हम आए हुए थे मॉल में, मैं कहा चलो देख लेते हैं कुछ समझ में आता है तो ले लेंगे, नहीं समझ में आता है तो घूम फिर के चले जाएंगे, फिर दो चार दिन बाद फिर आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं, ये फॉर्मल सी शर्ट देख रहे थे कुछ प्लेन में, कुछ इस टाइप का समथिंग। और मैं अभी जाने वाली हूँ बिग बाज़ार, जो अब चेंज हो चुका है, अब हो गया है वो रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, तो आपको वहाँ पे मिलते हैं अंदर जाके। अंदर तो पता नहीं, मे बी शायद आई थिंक सो के वीडियो मतलब बनाना शायद अलाउड नहीं होगा, बट फिर भी मैं अब अंदर जा रही हूँ, आपको बता रही, देखो ठीक है मैं इसके बाहर हूँ, ये मैं सोचना कि मैं ऐसे कह रही हूँ। तो अभी देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें मिलती हैं लेने वाले। मुझे छोड़ के जा रही हो क्या? मेरे को भी जाने का है। नहीं, नहीं लेके जाएंगे। मैं फिर भी जाऊंगी, साथ में चलेंगे। गाइज अब हम घूम फिर के आ चुके हैं बिग बाज़ार, कुछ भी मिला नहीं बिग बाज़ार में, हमें कुछ लेना था नहीं, बस विंडो शॉपिंग करनी थी बिग बाज़ार में, और जहाँ से हमें कपड़े लेने थे वो भी शॉप बंद हो गई है, क्योंकि हम लोग इतनी लेट तो घर से निकले थे, 9 बजे हम घर से निकले थे शहनशाह की तरह। तो 9 o'clock आप अगर घर से निकल रहे हो और मॉल आप आ रहे हो, आधा घंटा तो आपको आने में ही लग जाता है,
ठीक है ना, फिर आपको क्या मिलने वाला है। अब हम नॉर्मल वाली स्टेयर्स से नीचे कर रहे हैं, तो जो इनका कपड़े लेने का प्लान था वो भी हो गया फ्लॉप। तो अब हम जाते हैं अपनी स्कूटी के पास, क्योंकि हम गाड़ी से नहीं आए हैं। टिल देन बने रहिए आप, अभी घर जाके ब्लॉग एंड करेंगे हम, यही पे ब्लॉग एंड कर दें। चलो घर पे जाके करेंगे। ओके, घर में जाके मिलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी देखने वाले हैं ब्लॉग, और वो मेरी जान लेने वाले हैं। मम्मा आपने बर्गर खा लिया, मम्मा हमें याद भी नहीं करा आपने। सो मिलते हैं आपको घर जाके। घर जाके स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस। स्कूटी मैं चला रही हूँ, 12-10 सेकंड है, स्कूटी मैं चला रही हूँ। अब फटाफट से लाइट होने वाली है तो हम भागते हैं फटाफट, 2 मिनट वेट करना आप। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और बहुत ज्यादा थक गए हम, बच्चों के लिए फ्रूट्स ये वो संभाल लेके आए हैं। ओह सांस फूल गए, तो आती मैंने फटाफट से ब्लॉग ले लिया। आया नहीं, अच्छा शिव तो आया ही नहीं आज के ब्लॉग में। सो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टा का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको भी आप जाके फटाफट फॉलो कर लेना। थैंक यू, सुंदर लग रहे हो, बाय बाय। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.